Last week your queries, those you commented on my page. So one by one I'm going to discuss. The first queries of the SAD is saying that losses तो हुआ है सर, मतलब इन्होंने जिस वीडियो पर कमेंट किया है जिस पर मैंने बताया था कि ये फ़ायदा है री एग्ज़ाम जो हो रहा है इसका, क्या फ़ायदा या घाटा, तो इन्होंने बोला है कि लॉस तो है सर, जिसको जिसका सही हो गया तो फिर से करना होगा, मेरा यहाँ तो कुछ चीटिंग नहीं हुआ। तो सैड टू जी, मैं बता दूं कि पहली बात तो जो चीटिंग हुआ है आपके वहाँ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सपोज़ कहीं हुआ है तो वो आपके रिजल्ट पे हैम्पर करेगा। क्यों? अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उससे आपका रिजल्ट नहीं प्रभावित होगा, आपका भी रिजल्ट भी प्रभावित होगा, इस चीज़ को आप समझो, ठीक है ना। तो जो एग्ज़ाम है ना तो आपके लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा, डोंट फ्रस्ट्रेट, ठीक है। ऋषभ श्रीवास्तव ये कहते हैं, कैन समवन गिव द एग्ज़ाम इफ़ ही सी डिड नॉट फिल द फॉर्म अर्लियर टाइम। तो ऋषभ जी, मैं बता दूं कि दोबारा फॉर्म करने का भरने का तो 99% चांस नहीं है, क्योंकि अब इतना तो टाइम नहीं है ICR के पास कि ही विल अगेन आस्क टू फिल द फॉर्म। जो भी लोगों ने अप्लाई कर रखा है उसी बेस पे वो अगेन एडमिट कार्ड जो है इश्यू करेगी और एग्ज़ाम लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इवन ICR से कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है रंजीत बाचू, कहते हैं सर एग्ज़ाम डेट प्लीज़, अगेन वी हैव टू रजिस्टर और कंटिन्यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस। तो 99% चांस रंजीत जी है कि प्रीवियस पे ही होगा, और डेट को जानने के लिए आप रेगुलरली ICR की साइट पे चेक करो, और हो सकता है आपके पास मेल भी आए, ठीक है ना। उसके बाद अमित कुर्मी कहते हैं, सर मैं BSc फोर्थ ईयर स्टार्टिंग है, आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट साइंस GRF के लिए, राइट सर, बट बुक एंड अदर नॉलेज रिसीव सर, मीन्स आपको चाहिए बुक क्या पढ़नी है प्लांट साइंस के लिए और कैसे टिप्स है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाए हैं बुक लिस्ट फॉर द GRF, उसको जाके आप देखियो, मेरे इस पेज पे अवेलेबल है। और उसके बाद मुकेश चौधरी एक जो है प्लांट साइंस के टॉपर है, अपने टाइम के ARSB टॉपर है प्लांट साइंस से ही, तो उन्होंने एक अच्छी सी मैंने वीडियो डाले, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी देखो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे आप, मैंने एक वीडियो बनाया है 3 रूल्स टू क्रैक द ICR GRF नेट ऑनलाइन एग्जाम, तो उसको भी आप ध्यान से देखो, तो आपको कुछ काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो जतिन चौधरी ये कहते हैं, सर प्लीज़ टेल मी द GRF इंटोमोलॉजी में किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, और सर अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए कितने रैंक चाहिए। तो इंटोमोलॉजी ही एक्सक्लूसिवली चाहिए आपको, तो ये बता दूं कि जैसे GRF जो इंटोमोलॉजी ग्रुप से होता है उसमें निमेटोलॉजी भी होता है, ठीक है, और इंटोमोलॉजी होता है। तो आपको अगर इंटोमोलॉजी ही लेना है तो सबसे अच्छी बात है आप जाके ICR का जो PG बुलेटिन है उसको देखो, उसमें कितनी GRF की सीटें हैं एक्सक्लूसिवली फॉर इंटोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद देख लो कि आप जैसे IRI बेस्ट है, पंतनगर है, HUs है, और अंग्राउज है, तमिलनाडु है, और भी जैसी यूनिवर्सिटियाँ हैं, किसमें आप लेना चाहते हो, उनमें कितनी कितनी सीटें जो कि इंटोमोलॉजी एक्सक्लूसिवली हैं, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितनी रैंक लानी है। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी पाने के लिए तो मेरा एज पर माई इंफॉर्मेशन आपको टॉप 10 में रहोगे ना तो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनुज पटेल कहते हैं, सर प्लीज़ टेल इंटरव्यू 2017 GRF टॉपर, ओके आप प्लांट साइंस के 17 के टॉपर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने भी रिक्वेस्ट किया है, जो लड़के टॉप किया है प्लांट साइंस में, अगर वो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो अगर दे देंगे तो आई विल अपलोड इन फ्यूचर, आई एम होपिंग दैट वीडियो विल कम हियर, ओके। उसके बाद ये हैं चंदन महतो, कहते हैं सर MSc एग्रीकल्चर की स्कॉलरशिप कितनी कितने कैटेगरी होती हैं, आई मीन GRF एंड NTS आपका जो एग्ज़ाम, आप इसका मतलब ये है कि GRF और ये नेट लिखना चाहते थे, और मैं भी गेट नहीं कर पा रहा हूँ क्या आप कहना चाहते, लेकिन मैं जैसे जितना मेरे को आपकी इस क्वेश्चन से पता चला है मैं बता दूँ कि आपको GRF के जब आप क्वालिफाई करोगे तो
8,740 के करीबन फेलोशिप पर मंथ मिलती है स्टाइपेंड, और 12,000 के करीबन शायद पर मंथ आपको बुक और स्टेशनरी खरीदने को मिलती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप, इससे अच्छा है कि आप ICR बुलेटिन को, जो PG का बुलेटिन है, उसको अपलोड कर लो और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। और नेट निकालने से, NTS क्या है आपने लिखा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ICR नेट निकालने से आपको चार पैसे नहीं मिलते। SRF निकालोगे जब आप PhD के लिए, तब आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मंथन पटेल कहते हैं, हेलो सर, मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी SC एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो क्या ICR GRF के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन बहुत से आ रहे हैं कि मैं प्राइवेट से कर रहा हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ऐसा कुछ एक्सक्लूसिवली वहाँ पर मेंशन नहीं होता कि आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की ही होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी डिग्री, वो कहता है कि उसमें यूनिवर्सिटीज दी रहती हैं, फिर अदर्स दिया रहता है, तो अदर में जाके आप वर्क कर दे अपनी जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से आपका प्राइवेट कॉलेज जो है रिलेटेड होगा वो उसमें एक्सेप्टेड होगा। आपकी 4 साल की BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और अभी अगर इस पर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप इवन ICR की साइट है, वहाँ पर आप जाकर उसके नंबर लो, मेल करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एज पर माई इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये हैं दिनेश गुप्ता, कहते हैं सर, IIM एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आई कैन गिव CSIR नेट और ओनली ARS नेट इज देयर फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो दिनेश गुप्ता जी, मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि CSIR में ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर क्यों तो नहीं दे सकते। एग्रीकल्चर के भी लड़के देते हैं, जैसे मैं बता दूँ आपको, लाइफ साइंस में आप दे सकते हो। अगर आप, जैसे आपका मास्टर आपने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कर रखा है, आपने मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री में कर रखा है, या आपने एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में कर रखा है, या प्लांट फिजियोलॉजी में कर रखा है, तो इन सब ग्रुप के जो स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी हद तक ये फेवर करता है आपका लाइफ साइंस ग्रुप। तो CSIR में लाइफ साइंस आप दे दो, आपका होगा। और बहुत से मेरे 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 नॉन कैंडिडेट हैं जिन्होंने लाइफ साइंस में निकाला है CSIR GRF, और अर्थ साइंस में भी दे सकते हो, जैसे कि जो भी क्या कहते हैं, अर्थ साइंस भी एक ग्रुप है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे ग्रुप हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे तो पता नहीं कि आप कौन से सब्जेक्ट से MSc कर रहे हो, लेकिन आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ध्रुव सूर्या कहते हैं, कैन यू गिव द फिशरीज एग्जाम्स कोर्स एंड बुक सो वी कैन प्रिपेयर फॉर इट। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो फिशरीज का है, जो मैं यहाँ पर डाल रखा हूँ, तो लेकिन फ्यूचर में मैं ट्राई करूँगा कि फिशरीज साइंस वालों को भी यहाँ पर बुलाने का, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद जो है ये हरीश सरस्वत कहते हैं, सर आपने इंस्टीट्यूशन नहीं दिखाए, इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाए यूज़ करके। तो मैं बता दूं, इन्होंने जो आपने वीडियो जिस पर कमेंट किया है वो है श्री गंगा राम, जो एक इनोवेटर फार्मर है, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, बताया था। तो उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी मशीनें उन्होंने बनाई हैं, जैसे सीड ड्रिल बनाए हैं, साइकिल से चला कर साइकिल में मॉडिफिकेशन किया है। तो उस टाइम पर जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन थी, और वो पिछले मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखा पाया। बिपिन सर, आपका व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है प्लीज़, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए। डियर, आपको जो भी एडवाइस चाहिए आप उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कमेंट कर दो, मैं आपको एडवाइस दे दूँगा, और नंबर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद ये हैं सतीश यादव, कहते हैं, नाइस सर, बट यू आर ए वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव साइंटिस्ट, आई एम डूइंग फाइनल MSc प्लांट प्रोटेक्शन इंफेस्टेशन इन इंटरमोलॉजी थीसिस फ्रॉम IIS लखनऊ उत्तर प्रदेश, प्रिंसिपल साइंटिस्ट मीन्स इसके अंदर करते हैं। थैंक यू आपके अप्रिसिएशन के लिए, आप इसी तरह से वीडियो देखते हुए मोटिवेट हुई है और अच्छा काम कीजिए, थैंक यू। उसके बाद ये हैं गिरधर अशोक कुमार राजपत, ये कहते हैं, सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन प्लांट फिजियोलॉजी फॉर ARS। तो गिरधर जी, आपने शायद हमारे पेज पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपने देखा नहीं, मैंने एक ARS टॉपर्स की बहुत सी, हर लगभग में हर सब्जेक्ट के टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, और वो लोग सजेस्ट किए हैं कैसे पढ़ना है। तो प्लांट फिजियोलॉजी का भी एक मिलन कुमार का मैंने, मिस्टर मिलन कुमार एक जो साइंटिस्ट है अभी करंटली हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो, और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, है यहाँ पर। उसके बाद अंकित उपाध्याय कहते हैं, सर प्लीज़ इंटोमोलॉजी SRB ARS नेट बुक नेम, वेरी इंपॉर्टेंट बुक क्या है वो प्रोवाइड करें।
तो अंकित उपाध्याय जी, बता दूं, मैंने पहली बात ऑलरेडी मैंने बुक लिस्ट भी दे रखी है, एक वीडियो बुक लिस्ट पे ही है इस पे सेपरेटली, और इन्होंने भी अपने जो नीचे कमेंट बॉक्स है एक जगह पर इन्होंने बुक लिस्ट मेंशन कर रखा है, डॉक्टर अर्चना औकले, तो आप वहाँ पर जाओ देख लो, और ये जो वीडियो है इसको सही से देखो, आपको बुक पता चल जाएगा कौन कौन से बुक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद ये जो है गौरव तोमर कहते हैं, सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, नाउ आई एम राइटिंग एशियन ऑप्शिस एंड आई वांट सम हेल्प, एक्चुअली आई वांट टू नो दैट फ्रॉम वेयर आई कैन ऑब्टेन रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू माई मीन्स सिनॉप्सिस। तो इस रेट में बता दूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि आप जहाँ पर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आप देखो, उन्हीं जो आपके एडवाइज़र है या कोई भी जो इंस्ट्रक्टर है, मेंटर है, वो कैसा काम करा रहे हैं, ठीक है ना, और उन्होंने इससे पहले उस पर कैसे काम करा के डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी अपने लाइब्रेरी में सबमिट कर चुके हैं। अब लाइब्रेरी का कंसर्न करो, वहाँ पर जाके देखो कैसी कैसी थीसिस हुई है जो आपसे रिलेटेड है, वहाँ पर जाके देख लो। उसके बाद आजकल इंटरनेट की दुनिया है, आप वहाँ पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रिव्यू लिटरेचर के मैक्सिमम आपको एब्स्ट्रैक्ट की जरूरत होती है, तो आप अपने टाइटल को गूगल में सिंपली टाइप करो, आप मिल जाएगा, ठीक है। और लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट सोर्स, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पर जाके थीसिस देखो, ये सब चीज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देवराज चक्रवर्ती कहते हैं, सर प्लीज़ टेल मी फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग व्हाट एग्ज़ाम आई शुड गिव, ऑल इंडिया एंट्रेंस यूजी और पीजी। अगर आपको इंजीनियरिंग बीटेक करना है तो आपको यूजी वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा डियर, और यूजी के बाद आप जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो एग्रीकल्चर का है वो पीजी का दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये हैं उत्कर्ष राहुल, ये कहते हैं, सर एग्रोनॉमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना दीजिए और जी आ। तो मैंने उत्कर्ष जी, मैंने लगभग में 13 सीरीज निकाले हैं एग्रोनॉमी के एक्सक्लूसिवली, ठीक है, आप उसको जाके देखो, इस चैनल पर अवेलेबल है इस पेज पे, और वो आप बहुत हेल्पफुल होंगे, और अब मैं स्लोली स्लोली निकाल रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो होप इन द फ्यूचर यू विल गेट द ऑल कंटेंट ऑफ एग्रोनॉमी हियर, नॉट ओनली एग्रोनॉमी, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एग्रीकल्चर ऑल्सो। सर उत्कर्ष राहुल अगेन कहते हैं, सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए एग्रोनॉमी इसके लिए। तो डी क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी यहाँ यूट्यूब पर सब चीज़ आपको मिल रहा है, तो वो मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप बना के उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप इसी में यूट्यूब का भी फ़ायदा लो। उसके बाद ये है प्रीति सिंह कहती हैं, सर वेयर कैन आई गेट द सिलेबस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द जेआरएफ प्लीज़ सजेस्ट। तो आप सिंपली जाओ आईसीआर की साइट पे, आपको बुलेटिन मिलेगा पीजी का, आईसीआर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर पीजी, वहाँ पर देख लो आप उसको, वहाँ से आपको मिल जाएगा सिलेबस, बहुत सिंपल है। तो धीरज भट्टाचार्य जी कहते हैं सर वुड यू प्लीज़ टेल मी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच आई शुड फॉलो इन द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन। तो फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है बहुत अच्छी बुक है, तो इसमें हम मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि मेजर जो क्रॉप्स हैं उनको आप कवर करो, बहुत सी चीज़ें इसमें रिसर्च ओरिएंटेड लिखी गई हैं, तो वो चीज़ें अभी आपको एज फॉर द बीएससी लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर बीएससी यू शुड कवर थियोरेटिकल पोर्शन, जो भी उसमें कुछ थोड़ी दे रखी है, जैसे राइस के समर्ज कंडीशन में क्या कंडीशन होती है उसको थोड़ा पढ़ो, अच्छी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ राइस का दे रखा है वो अच्छा है, कॉटन का जो है उसमें चैप्टर बहुत अच्छा दे रखा है, जो मेजर क्रॉप है आप इससे पढ़िए, और कुछ माइनर मिलेट्स के बारे में भी दिया है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं तो उसको आप पढ़ सकते हो। अगेन मैं कहता हूँ, आप अगर यूजी के स्टूडेंट हो तो आप इसमें जो रिसर्च ओरिएंटेड लिखी गई चीज़ें हैं उन चीज़ों को मत पढ़ो, क्योंकि ये पीजी और पीएचडी वालों को काम आती है, ठीक है। तो ये तो थे जो लास्ट वीक आप लोगों ने क्वेश्चन अपने यहाँ पर मीन्स कमेंट किए थे, उसका मैंने यहाँ जवाब दिया। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, और इसी तरह से मैं आपका रिप्लाई हर वीकली करता रहूँगा, और होप इस तरह की इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस तरह के जो डाउट है वो क्लियर हो, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत से डाउट लोगों के पास होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो सही गाइडेंस में नहीं जा पाते, तो उनको इस चीज़ों को बताइए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो सका मैं दोस्तों को बताइए कि लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फायदा लें। तो इन्हीं सब साथ के साथ ऑल द बेस्ट।